एक ऐसा युद्ध जिसने अहमद शाह अब्दाली को उसकी नानी याद करा दी थी, वो युद्ध कहीं और नहीं भारत में ही हुआ था। इतिहास के सुनहरे पन्नों से गायब एक ऐसा युद्ध था जिसने हिंदू समाज के रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति देने वाले नागा साधुओं को अमर कर दिया था, लेकिन इस घटना का इतिहास में कहीं भी जिक्र देखने को नहीं मिलता। यह युद्ध था नागा साधु और अब्दाली के बीच का, जिसमें अफगानी सेना और 5000 नागा साधुओं के बीच में यह युद्ध हुआ था। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का शासक बना और साम्राज्य विस्तार और अपने जिहादी मंसूबे को अंजाम देने के लिए भारत में आया। 1748 में मात्र 26 वर्ष की आयु में अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का शासक बना। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं का सामना अहमद शाह अब्दाली से हुआ था। यह एक बहुत ही भीषण युद्ध था जिसमें आपसी फूट की वजह से मराठा साम्राज्य को पराजय का सामना करना पड़ा। पानीपत के तीसरे युद्ध में विजय से गदगद अहमद शाह अब्दाली अपने जिहादी मंसूबे को पूरा करने के लिए अपनी सेना सहित मथुरा की ओर आगे बढ़ा। इस दौरान रास्ते में आने वाले गैर मुस्लिमों को वह गाजर मूली की तरह काटता, मारता, लूटपाट, डकैती और बलात्कार करते हुए आगे बढ़ रहा था। मथुरा के बाद में अहमद शाह अब्दाली गोकुल पहुंचा। जब अहमद शाह अब्दाली गोकुल पहुंचा तो वहां पर उसका सामना नागा साधुओं से हुआ, जो हाथ में चिमटा लिए क्रूर अफगानी सेना के सामने खड़े थे। यह नजारा देखकर अहमद शाह अब्दाली ने उनका उपवास किया और साधुओं को बहुत हल्के में लिया और कहा कि ये नागा साधु हमारा क्या कर लेंगे। नागा साधु अहमद शाह अब्दाली की करतूत जानते थे, इसलिए अहमद शाह अब्दाली को सबक सिखाने के लिए सीना तान कर खड़े हो गए। कुछ क्षण के बाद वह माहौल शांत हो गया। शायद यह अंदेशा दे रहा था कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। तभी अचानक हर हर महादेव का जयकारा एक साथ बुलंद आवाज में गूंज उठा। नागा साधुओं ने हाथ में त्रिशूल और चिमटा लिए अफगानी सेना को धूल चटाने का संकल्प लेकर अफगानी सेना पर टूट पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे नागा साधुओं ने महाकाल का रूप धारण कर लिया हो। इस युद्ध में उन्होंने ऐसा तांडव मचाया जिसके बारे में अहमद शाह अब्दाली ने कभी सोचा भी नहीं होगा। बड़ी बड़ी तोपों और तलवारों के सामने चिमटे और त्रिशूल इतने भारी पड़े कि अफगानी सेना तितर बितर हो गई, युद्ध स्थल से कोसों पीछे हट गई। हालांकि इस भीषण युद्ध में 2000 नागा साधु वीर गति को भी प्राप्त हुए, लेकिन क्रूर अब्दाली को युद्ध मैदान छोड़कर भागना पड़ा। चारों तरफ अब्दाली की सैनिकों की लाश बिछी हुई थी। यह नजारा देखकर अब्दाली के पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे तैसे वह जान बचाकर भागा। नागा साधुओं का प्रकोप देखकर अहमद शाह अब्दाली इतना खौफ खा गया कि जहाँ जहाँ भी उसे नागा साधु नजर आते वहाँ से भाग निकलता। या ऐसा कहे कि किसी भी विदेशी जिहादी आक्रांता को यह पता चलता है कि युद्ध में नागा साधु भाग ले रहे है तो वह लड़ने की बजाय मैदान छोड़कर भाग निकलते हैं। इतिहासकारों ने सिर्फ तैमूर, अकबर, बाबर जैसे क्रूर और लुटेरों का गुणगान किया है, जबकि वास्तविक रूप में देश की आन बान शान की रक्षा करने वाले और प्राणों की आहुति देने वाले रणबांकुरों को इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया है। यह हमारे भारतवर्ष का दुर्भाग्य ही है कि हमारे देश के लोग उन महान लोगों के बारे में नहीं जानते। साथ ही हमारा भी यह दुर्भाग्य है कि जिन्होंने हमारे देश को लूटा, हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाया, हमारे पूर्वजों को क्रूरता के साथ मारा, उन्हीं के इतिहास को बड़ा चराकर पढ़ाया जाता है। ऐसे ही भारत के इतिहास और भारत के क्रांतिकारियों के बारे में जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।